सारी फिल्मों के लिए मतलब उतनी मेहनत लगती है, कुछ के लिए मतलब हो सकता है फिजिकली थोड़ी ज़्यादा लगे, लेकिन जो आपका एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है इज द सेम लेवल होनी चाहिए तो है ही। तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ ब्रेक मैं ले रहा था, मगर हाँ ये रोल प्रेपरेशन में डेफिनेटली लेखा के रोल से आसान था ये बात तो जाहिर है, मगर शूटिंग के दौरान मतलब जो कमिटमेंट चाहिए वो डायरेक्टर से बाकी के एक्टर से सब क्रू से तो सेम ही होता। हाँ एक्चुअली मुझे इस फिल्म में जो ज़्यादातर जो सीन्स हैं वो फनी सीन्स हैं, फिल्म एक कॉमेडी है, वो जो एक क्लासिक फॉर्मेट होता है रोम कॉम का, जहाँ पर जब रेजोल्यूशन होने वाला है स्टोरी का थी सीरीज जब सारे पोल्स होते हैं लाइफ के, तो ऐसा ही कुछ है, मगर बहुत कॉमेडी करने का मौका मिला है इसमें, जो डायलॉग्स थे बहुत फनी है, सिचुएशन बहुत फनी है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया, विद्या भी मतलब एक अमेजिंग एक्ट्रेस है, वीर भी है फिल्म में, राम कपूर भी है फिल्म में, तो ज़्यादा मेरे सीन जो है उन्हीं के साथ में, रोनक देव अभय वेरी गुड अबाउट द दोस्त सो मच। साइड इफेक्ट्स एक्चुअली ऑफ एनी थिंग बिकॉज इट्स नॉट अ मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग, देयर हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट आर कंसिस्टेंट इन एवरीवन्स रिलेशनशिप। It's an individual experience. There are people who, depending on their personality and how they are, they can focus on good things. There are people who like to focus on negative things. So it depends on an individual. I am very happily married for the last 14 years of my life. I have no complaints whatsoever. That's all I can say about my side effects. I guess that I have no complaints. जी हाँ, मैं दो गाने गा रहा हूँ इस फिल्म में, एक तो डेफिनेटली एल्बम पे होगा, दूसरा इज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ द फिल्म, को एल्बम पे डाले ना डाले नॉट श्योर है। शादी के बाद तो आज आप और अपनी बीवी कितने बजे सो रहे हो?